24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शासकीय कार्यों में लापरवाही के चलते दिघोरी सचिव को किया गया निलंबित। बालाघाट कलेक्टर के द्वारा आदेश दिनांक 2/7/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत दिघोरी के सरपंच मोहम्मद राजिक नाजमी को पद से पृथक किया गया, जिसमें बताया गया कि दिघोरी सरपंच राजिक नाजमी द्वारा अपने पद कर्तव्य का पालन न किया जाकर कोई कार्य नहीं कराया गया तथा कार्य को प्रकलन हिंदी में उपलब्ध कराने, सामग्री उपलब्ध कराने आदि का बहाना कर ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार से वंचित एवं ग्राम पंचायत के कार्य में बाधा किया गया। 14वें वित्त योजना की प्राप्त राशि से 2 वर्ष तक काम नहीं कराया गया तथा सरपंच द्वारा कोविड-19 में आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिए जाने के निर्देश के बावजूद भी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थता बरती गई तथा सरपंच द्वारा अन्य कार्य में भी ढिलाई बरती गई तथा यह स्पष्ट है कि सरपंच के द्वारा कार्य के प्रति रुचि नहीं ली जा रही है, जिससे ग्राम के विकास का कार्य बाधित हुआ है। शासन के निर्देश अनुसार प्रत्येक पंचायत में गरीब कल्याण योजना अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों के निर्देश जारी करने के बाद भी संबंधित द्वारा उक्त कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं कराई गई, जिससे ग्रामीण जनों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया। इसी कारण मोहम्मद राजिक नाजमी के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने के कारण मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 खा के तहत आदेश दिनांक 2/7/2021 के अनुसार मोहम्मद राजिक नाजमी सरपंच प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत दिघोरी को पद से पृथक किया गया।